आवारा मवेशियों की समस्या को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौ सत्याग्रह का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत 16 अगस्त से होगी। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी आवारा मवेशियों को SDM और कलेक्ट्रेट में बांधेंगे। बैज ने बताया कि कांग्रेस 14 अगस्त को संविधान यात्रा निकालेगी। कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा और संविधान की प्रति लेकर रैली निकालेंगे। प्रभात फेरी निकालकर संविधान रक्षा की शपथ भी यहां दिलाई जाएगी। आदरणीय साथियों, पत्रकार साथियों, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 दिन का दिल्ली प्रवास था। दिल्ली प्रवास के दौरान हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी से मुलाकात हुई। माननीय वेणुगोपाल जी हमारे AICC के प्रभारी महामंत्री, उनसे मुलाकात हुई और कुछ अन्य नेताओं से भी चर्चाएं हुई। छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में नगरी निकाय चुनाव को देखते हुए उसकी तैयारियों को लेकर चर्चाएं हुई और साथ ही कि दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चाएं हुई और संगठन को आने वाला समय में कैसे और मजबूती प्रदान करें इसके लिए भी चर्चाएं, और साथ ही आज का प्रेस वार्ता में सरकार उद्योग और आम उपभोक्ताओं के बिजली के दाम वापस ले, सरकार के तुगलकी निर्णय से 2 लाख मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है, बिजली के दामों की लगातार बढ़ोतरी, नगरीय निकायों के अध्यक्षों के वित्तीय अधिकार की वापसी, आवारा पशुओं की समस्या, 14 अगस्त को संविधान यात्रा, विश्व आदिवासी दिवस पर आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर विषय पर आज सबसे पहला, 1 सप्ताह से लगभग 10 दिन से अधिक हो गए राज्य की स्टील इकाइयां बंद है, जिसके कारण इन इकाइयों में काम करने वाले 2 लाख से अधिक ट्रांसपोर्टरों और इन उद्योगों से जुड़े अन्य लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। समाचार माध्यमों से हमें जानकारी मिली है कि उद्योगों के प्रतिनिधि लगातार सरकार से अपनी मांग मनाने के लिए आग्रह कर रहे हैं, लेकिन सरकार हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। 7 माह की भाजपा सरकार ने न सिर्फ उद्योगों आम आदमी की बिजली के दामों को भी बढ़ा दिया है। लोहा उद्योग छत्तीसगढ़ की रीढ़ है और उनकी बिजली महंगी करना विष्णुदेव सरकार का गलत निर्णय है। और पर सरकार का दावा है कि 8% घरेलू बिजली के दाम बढ़े हैं। हकीकत यह है कि पिछले 2 माह से सभी के घर का बिजली 2 गुना आ रहा है। छत्तीसगढ़ जो देश के बड़े ऊर्जा उत्पादक राज्यों में से एक है, इसके नागरिकों और उद्योगों का महंगी बिजली खरीदने को मजबूर होना, उद्योगों की बिजली के दामों की पड़ोसी राज्यों से तुलना करें तो उड़ीसा जो सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करता है और उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद पश्चिम बंगाल, इसकी बिजली दर लगभग 5.10 रुपए से 5.30 रुपए है और पश्चिम बंगाल जो तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक राज्य है जिसकी बिजली दर 5 रुपए, झारखंड और जिंदल पार्क जो अन्य प्रमुख इस्पात उत्पादक क्षेत्र है उनकी बिजली दर भी 5 रुपए है। छत्तीसगढ़ जो दूसरा सबसे इस्पात उत्पादक राज्य है जहां की बिजली दर 7.62 रुपए से 8.50 रुपए है, जो कि सीधा सीधा 25% से अधिक बिजली की बढ़ोतरी इस सरकार ने की है। महंगी बिजली के साथ भाजपा सरकार आने के बाद जनता को पूरे 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। पूरे प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती हो रही है। 7 माह में विद्युत सरप्लस वाला छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कटौती का केंद्र बन गया है। कोई ऐसा दिन नहीं होता जब बिजली 2-4 घंटे के लिए बंद ना हो। रात में तो बिजली की स्थिति तो और भयानक, घंटों बिजली गोल हो जाती है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार घरेलू एवं उद्योग कृषि के बिजली के दामों की बढ़ोतरी वापस ले, नगरीय निकायों में अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार वापस लेना अलोकतांत्रिक, भारतीय जनता पार्टी की साझ सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को हनन कर रही है। दुर्भाग्यजनक है कि लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनकर सरकार में बैठे हुए लोग प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती कर रहे हैं। कल ही सरकार की ओर से राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जिसके अनुसार अब नगरपालिका नगर पंचायतों में अध्यक्षों को चेक पर हस्ताक्षर करने के अधिकार को वापस ले लिया है। यह अधिकार अब मुख्य नगरपालिका अधिकारी को दे दिया गया है। प्रदेश के अधिकांश निकायों में कांग्रेस के अध्यक्ष चुनकर आए हैं, इसलिए दुर्भावनापूर्वक सरकार ने यह निर्णय लिया है। कांग्रेस की सरकार ने जनप्रतिनिधियों को अधिकार संपन्न बनाने, उनको वित्तीय अधिकार दिया था, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे वापस ले लिया। कांग्रेस मांग करती है कि इस अधिसूचना को रद्द किया जाए, हम जनप्रतिनिधियों के वित्तीय अधिकार को बहाल किया जाए। वित्तीय अधिकार को समाप्त करना, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार
आपका आने वाला नगरीय निकाय चुनाव में मानसिक रूप से हार मानना है, जो इस तरह के हथकंडे अपना रही है। तीसरा एजेंडा 16 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों एवं ब्लॉकों में होगा गौ सत्याग्रह। प्रदेश भर में हो रही गायों की मौत तथा खुले मवेशियों के कारण सड़कों में हो रही दुर्घटनाएं, आवारा मवेशियों से खेतों की चराई पूरे प्रदेश में एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद से प्रदेश में गौवंश बदहाल है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के द्वारा संचालित गोधन न्याय योजना को बंद करके गौवंशी पशुओं को सड़क पर बेमौत मरने छोड़ दिया गया। एक तरफ जहां किसान खुली चराई से परेशान है, तो वहीं सड़कों में दुर्घटनाएं बढ़ गई है। भाजपा की सरकार में गाय भैंस के साथ जनता भी सड़कों पर बेमौत मरने मजबूर है। इस विकराल समस्या की तरफ कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, मीडिया ने भी सरकार का ध्यान अनेकों बार आकृष्ट किया है, लेकिन सरकार लापरवाह बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी सरकार को यह चेतावनी देती है कि 15 अगस्त तक आवारा पशुओं के संबंध में सरकार कोई निराकरण करे। यदि सरकार आवारा पशुओं के निराकरण में कोई समाधान नहीं करेगी, तो 16 अगस्त को कांग्रेस गौ सत्याग्रह करेगी। हम प्रदेश के सभी जिला कार्यालय, अनुविभाग, SDM कार्यालय में एवं अन्य महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालय में खुले पशुओं को ले जाकर ऑफिस के सामने छोड़ेंगे। 14 अगस्त को प्रदेश के सभी वार्डों एक गांव में संविधान यात्रा कांग्रेस पार्टी निकालेगी। आजादी के 77वीं वर्षगांठ के पूर्व 14 अगस्त को कांग्रेस पार्टी प्रदेश के सभी गांव वार्डों में संविधान यात्रा के रूप में प्रभात फेरी